मिर्जापुर में महिला से बैंक की छिनतई करने वाला बदमाश पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने के बाद घायल हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD वादा सच का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड पर 16 सितंबर को स्कूटी से जा रही महिला का पीछे से आ रहे बाइक सवार बदमाश ने बैग छीन कर फरार हो गया। बैग छीनने के कारण महिला सड़क पर गिर गई। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो घटना का पूरा वीडियो सामने आया, जिसमें बदमाश महिला से बैग की छिनतई कर रहा है। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर बदमाश की पहचान विकास हेला के तौर पर हुई। आज पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि वह विध्यांचल में छिनतई की वारदात को अंजाम देने जा रही है। पुलिस घेरेबंदी कर कटरा कोतवाली क्षेत्र के ओजला पुल के पास मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश विकास हेला मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी थी, उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अपर पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह का कहना है कि इनामिया बदमाश है, इससे पहले भी वारदात को अंजाम दिया जिसमें जेल गया था। जेल से बाहर निकलने के बाद फिर छिनैती की घटना को अंजाम दिया। अपर जिला पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह मिर्जापुर बोले, महिला के साथ एक बैग छिनैती की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच की गई तो पता चला कि ये विकास हेला है, इससे पहले भी कटरा क्षेत्र में छिनैती किया था जिसमें जेल गया था। जेल से बाहर निकलने के बाद यह फिर घटना किया। सूचना मिली तो पुलिस ने घेरेबंदी किया जिसमें यह गिरफ्तार हुआ। मामला जो है कल जो एक महिला के से बैग की छिनौती के एक ये सूचना प्राप्त हुई, जिसमें पुलिस ने इसमें अग्रिम कार्रवाई की, तो उसमें पता चला कि एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो है उसने ये घटना का प्रयास किया है। इस क्रम में पुलिस के द्वारा मुख्य सूचना करते हुए और इसकी पूरी इंक्वायरी तहकीकात करते हुए कटरा पुलिस के द्वारा इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई। तो ये घटना जो स्टेशन रोड की थी कल की 1 बजे की थी, और उसमें जो अपराधी था जिसके बारे में विवरण पता लगाया गया कि विकास हेला नाम का एक अपराधी है, इसने पूर्व में भी कोतवाली कटरा क्षेत्र में एक ही घटना कार्य की गई थी और ये जेल गया था। जेल से छूटने के बाद आने के बाद इसने ये घटना कार्य की, जिसको आइडेंटिफाई किया गया, इस पर एक अभियोग पंजीकृत कल किया गया। और उस जिस मोटरसाइकिल से घटना कार्य की थी उसके बारे में जब जानकारी प्राप्त की गई तो ये जो है मोटरसाइकिल भी चोरी की थी, तो इस पर भी एक अभियोग पंजीकृत करके इसमें अग्रिम कार्रवाई इसके द्वारा की गई। इसमें हमारे जो SOG टीम है और थाना अध्यक्ष कोतवाली कटरा, चौकी इंचार्ज जंकिंगगंज और चौकी इंचार्ज बड़ौदा कचहरा, ये सब COCT के नेतृत्व में इनको इस अपराधी को यहाँ पकड़ने के लिए लगाया गया। तो मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ये अपराधी आज भी फिर पुनः जो है विंध्याचल में जो लोग आ रहे हैं उनके प्रति फिर घटना कारित करने के चक्कर में है या नेटवर्क से इस साइड पर, जिसमें इसको पकड़ने का प्रयास किया गया। इस अपराधी द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया, आत्मरक्षा पुलिस द्वारा इसको चलाया गया, तो इसको एक इसको पैर में गोली लगी और इसमें पुलिस द्वारा इसको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वर्तमान में स्थिति सही है। पुलिस के द्वारा ये स्पष्ट निर्देश हमारे जो SP महोदय हैं अभिनंदन सर के द्वारा दिए गए हैं कि महिला सुरक्षा के प्रति सेंसिटिव रहें और जो इसमें अपराधी हैं उनके प्रति व्यापक और तत्काल प्रभावी कार्रवाई इसमें की जाए। क्या इनामिया भी था क्या ये? हाँ, ये 25,000 का इनामिया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 न्यूज HD वादा सच का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।